जरा परिचय दें। सर माई सेल्फ शिवशंकर चौधरी, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बहराइच उत्तर प्रदेश। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। करेंटली आई एम परसुइंग PhD इन वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर? Yes, sir. And I did my BSc AG from Narendra University. So my graduation subject and optional is similar. Very good. तो आप तो ये प्रदेश की सेवा में किसानों की बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे। Yes, sir. और सच पूछा जाए तो सब डिवीजन में जाने के बाद जो समस्या आपको देखने को मिलेगी उसका बड़ा मेजर शेयर किसानों की ही समस्याओं को लेकर के होगा। उसमें मौजूदा सरकार काफी काफी फोकस है और इसमें हम आपसे पहले किसानों के ही बाबत बात करेंगे। हमारे प्रदेश के किसानों को उनकी होल्डिंग के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। आपसे एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे, क्या आप एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अलावा दूसरी सर्विसेज में भी अधिमानी योग्यता पूरा कर रहे हैं? Yes, sir. Food and food safety officer also I am eligible. तो आप एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी और Yes, sir. And district sugar cane officer. SDM और डिप्टी एसपी वगैरह वाले में नहीं जा रहे ना? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ क्लियर हो गया। तो जो ये कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से जो हमारे फार्मर्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में बांटे गए हैं? सर एज पर नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट बट इन अदर एरिया आल्सो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फॉर एग्जांपल इफ योर होल्डिंग इज लेस देन 1 हेक्टेयर then you are coming into the marginal and 1 to 2 hectare then you will come under the small farmer and from 2 to 4 it is semi medium and 4 to 10 medium and more than 10 it is large. But somewhere these 2 to 4 and 4 to 10 category merged and they just call as medium category farmer. सबसे बुनियादी जरूरत किसानों को Yes, इस बात की होती है कि वो अपने मिट्टी को पहचाने। Sure, sir. इसके लिए सरकार ने क्या एफर्ट्स किए हैं जो सॉइल जानकारी के लिए, सॉइल के हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए किसानों की मदद करती? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज केम विद वेरी एम्बिशियस स्कीम दैट इज कॉल्ड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम व्हिच इज बेसिकली गिविंग the health status of the soil to the farmer in a form of a report card which is giving 12 different parameter, for example chemical, biological and physical, which is a can you speak hindi? Hindi mein baat kare, can you speak hindi? Yes sir. Hello. Sir bharat sarkar ne soil health card jari kiya hai jo 12 पैरामीटर को 12 कारक को फार्मर को देता है जिसमें आपका 3 डिफरेंट पैरामीटर फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल और जैविक, केमिकल और रासायनिक, फिजिकल और भौतिक जो पैरामीटर है सॉइल के उसको डिटरमाइन करता है सर। बेस्ड ऑन दैट सॉइल हेल्थ एनालिसिस इज देयर। यहाँ की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो सॉइल टेस्टिंग में मदद करते हैं किसानों की? जी सर, किसानों के मृदा परीक्षण के लिए यस सर कौन सी संस्था है प्रदेश सरकार की? सर कृषि विज्ञान केंद्र दैट इज एंड सम अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज आल्सो, फॉर एग्जांपल इन अदर स्टेट सम एनजीओ इज आल्सो वर्किंग फॉर सॉइल टेस्टिंग बट इन आवर स्टेट बेसिकली केवीके इज वर्किंग सर। व्हाट इज द रोल ऑफ किसान मित्र? किसान मित्र का क्या भूमिका है? सर किसान मित्र इज सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक बैंकिंग मित्राज और बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग मित्राज व्हिच इज व्हिच पीपल इज हेल्पिंग टू द
farmer for technology extension. They are working as a linkage between scientist and farmer. They are taking the problem of farmer and delivering to the scientist. However, from scientist, they are taking the solution and giving to the farmer. At the same time, they are also helping for marketing activities and awareness activities to the farmer. अच्छा चलिए अब मिट्टी का आपने मिट्टी के बारे में जानकारी किसान को जब हो गई उसके बाद फिर उसकी फसल के लिए उपज अच्छी उपज के लिए फिर मूलभूत कौन सी आवश्यकताएं हैं सर फसल के उपज के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता सर हमारे सिंचाई के लिए उपलब्धता खाद की उपलब्धता और जो इनपुट पैरामीटर है फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी सीड और हाइब्रिड सीड टाइमली अवेलेबल और जो तकनीकी ज्ञान है उनकी फार्मर को नॉलेज ये तीन चार चीजें जो है वो बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है एग्रीकल्चर में सर एनपीके क्या है फर्टिलाइजर में एनपीके से क्या मतलब सर एनपीके इज अ प्राइमरी फर्टिलाइजर फॉर एग्जाम्पल एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड फॉर पोटेशियम These are the fertilizer sources which is need to the plant in large amount what for is growth and development. Top dressing किसको कहते हैं? Top dressing. Sir, top there are two type of fertilizer application. One is basal application. One is top dressing. So after coming after several post 20 days of crop sowing. When crop is standing into the field, so fertilizer is applied in the aerial in that is called top dressing. When crop is stand and fertilizer is applied, then it is called top dressing. फसली चक्र की क्या आवश्यकता क्यों है? सर फसल चक्र की आवश्यकता इसलिए है कि फसल चक्र सर basically कई crop की मिश्रित को suppose धान धान के बाद गेहूं गेहूं के बाद कोई और क्रॉप जो खरीफ जायद की हो तो इनके रोटेशन के को ही फसल चक्र कहते हैं ये बेसिकली इसलिए किया जाता है सर कि सॉयल के हेल्थ को या मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और फार्मर की इनकम को भी इम्प्रूव किया जा सके इससे क्या सॉयल कंजर्वेशन में भी मदद मिलती है यस सर सॉइल कंजर्वेशन में मदद मिलती है जी सर बिल्कुल मिलती है सर यदि आपकी कोई कोई सपोज राइस खरीफ में राइस आपने लिया तो वो और रबी में आपने गेहूं लिया या फिर कोई और क्रॉप लिया या फिर एग्जांपल डीप रूटेड क्रॉप एंड शैलो रूटेड क्रॉप तो इससे deep rooted crop will conserve the soil and shallow rooted crop will utilize the nutrient which is available in upper surface of soil bhoom sanrakshan ke liye aur bhi sarkari vibhag hain kuch unki yojanaen jo pradesh mein chal rahi hain yes sir land conservation soil conservation department is there under agriculture that is scheme is there And in every district, one soil conservator officer is also involved in that. They are keeping record and helping to the farmer for. What is the methodology? कौन सी methodology वो adopt करते हैं? ये soil conservator officer. और farmer. भूमि संरक्षण विभाग कौन सी विधियों से इस चरण को रोकता है? Sir, basically they are based on sir in UP is affected by the water erosion and some nutrient degradation. So they are focusing towards that direction. अब उनकी कुछ योजनाएं बताइए आप कि करते क्या हैं वो ये तो आपने सिद्धांत के रूप में बता दिया. Yes sir. वो क्या methodology adopt करते हैं? Sorry, excuse me. I don't have ideas about it. अच्छा ये जमीन जिसको आप ऊसर बोलते हैं
यस सर। ये क्यों ऐसी हो जाती है सॉइल, एल्कलाइन सॉइल क्यों बनती है, कैसे हो जाती है? सर देयर इज टू रीजन सर, एक तो उसका नेचुरल रीजन है कि जियोजेनिक सोर्स होगा, और एक मैन मेड रीजन है। मैन मेड रीजन में फॉर एग्जाम्पल हम यदि जो क्षारीय उर्वरक है उसका इस्तेमाल अधिक करते हैं तो सॉइल क्षारीय हो जाती है, और नेचुरल रीजन ये है कि वहाँ पे सपोज कैल्शियम कार्बोनेट या फिर अदर जो उसका रीजन है नेचुरल रूप से पाए जाने वाला वहाँ का जो पेरेंट मटेरियल है उसकी वजह से क्षारीय होती है सर। तो दो रीजन है बेसिकली। ऊसर रिक्लेमेशन की क्या तरकीब है? ऊसर रिक्लेमेशन के लिए हमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, और सॉयल का कंपार्टमेंटलाइजेशन करके सर उसको ये जो हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सॉयल करना चाहिए, और जब कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाए उसमें तब एप्लीकेशन लेना चाहिए जिससे देखा गया है कि इसकी जिप्सम की इफिशियंसी बढ़ जाती है। और दूसरा ये है कि जो शुगर केन इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है मोलेसेस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको क्षारीय चीज को घटाने में। कितने साल लगता है, कितनी बार इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा सर? एक प्रयोग के बाद ये क्या खेती लायक हो जाती है, कल्टीवेबल हो जाएगी? नो सर, एटलीस्ट इट नीडेड 2 to 3 years एटलीस्ट सर, इफ बेस्ड ऑन डेट हाउ मच लेवल ऑफ एल्कलिनिटी इज देयर, उसकी उर्वरता क्षमता कितनी है उसके अनुसार पे ये देखना पड़ेगा सर। व्हाट इज एक्सटेंट? चलिए ठीक है, ये एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन स्कीम्स क्या है? एक्सटेंशन स्कीम सर जी, सर एक्सटेंशन स्कीम सर सर एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, इट्स मींस दैट टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन स्कीम? यस यू कैन से टेक्नोलॉजी सर, फॉर एग्जांपल लैब टू लैंड स्कीम, मेरा गांव मेरा गौरव, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, एंड दी जाता कॉमन एक्सटेंशन स्कीम, एंड नाउ केवीके इज वर्किंग आल्सो फॉर टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन। अब हार्वेस्टिंग हो गई, किसान की फसल तैयार हो गई, यस सर, उसके लिए खरीद की सरकार की कोई योजना होती है जिससे उसको नुकसान ना हो और उसकी लागत का पैसा आ जाए कम से कम? यस सर, फॉर सीरियल्स क्रॉप एंड पल्सेस एंड ऑयल सीड इट इज MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और सर शुगर केन के लिए फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस है FRP। MSP का निर्धारण किन बातों को देख के किया जाता है? सर MSP का निर्धारण सर सर बेसिकली देखा जाता है उसमें कि कॉस्ट कल्टीवेशन पर हेक्टेयर कितना आ रहा है, और इनपुट का कॉस्ट कितना है, मार्केट इनपुट का मार्केट कॉस्ट कितना है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में उसका फाइनल प्राइस क्या है, बेस्ड ऑन दैट एंड फैमिली लेबर, सो दे आर डिसाइडिंग, CACP इज डिसाइडिंग फॉर दिस। CACP स्टैंड फॉर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड this cabinet committee on economic affair is headed by the prime minister, which recommending, which declaring the MSP before sowing season. इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद yes, sir. किसानों का आंदोलन चलता रहता है, उनका ये कहना होता है कि हमारी जो लागत है उसके हिसाब से MSP डिसाइड नहीं हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है। Yes, इस पर MS स्वामीनाथन साहब का नाम सुना होगा आपने? यस सर। उनकी क्या रिकमेंडेशंस? सर दिस MSP इज कैटेगराइज इन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 3 मेथड, A2 मेथड, C2 प्लस FL मेथड, एंड C2 मेथड, C2 प्लस FL, एंड इंप्लीकेटेड कॉस्ट मेथड। सो MS स्वामीनाथन हैज रिकमेंडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ C2, FL, एंड इंप्लीकेटेड कॉस्ट, but government is implementing this C2 plus FL, that is only family cost is family labor cost is including, however Swaminathan committee has recommended to cost of 1.5 times of cost of cultivation and implement implicative cost. Jo C2 hai, yes sir, comprehensive costing, yes isme zameen ka kiraya bhi hai? Yes sir,
रेंटेड कॉस्ट ऑफ लैंड, जमीन का किराया सर वही है, दिस थर्ड मेथड। उस पर सरकार तैयार नहीं है? नहीं सर, सरकार उस पर तैयार नहीं है सर। तो फिर 2022 तक कैसे इनकी आय दोगुनी हो जाएगी? सर सरकार का जो विजन है वो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस है। फॉर एग्जांपल सर ये पशुपालन और प्रोसेसिंग और कई क्षेत्रों को इन्वॉल्व करके फार्मर के इनकम को डबलिंग करना है। और सर इसमें एफपीओ को प्रमोट भी किया गया है। फार्मर का इनकम डबल इसलिए नहीं हो पा रहा है सर बेसिकली क्योंकि उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकिंग नहीं हो पा रही है सर। फॉर एग्जाम्पल कुछ फार्मर दे डोंट हैव निगोसिएशन पावर फार्मर, सो एंड मोर ओवर दे आर होल्डिंग इज ऑल्सो वेरी फ्रेगमेंटेड। सो वॉट हैपन दे आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस एट मंडी आर समवेयर मोस्ट ऑफ फार्मर, सो दे आर सेलिंग इट इन लोकल लेवल अरहतियाज आर सम साहूकार, सो दे आर नॉट गिविंग। फिर इसमें डाइवर्सिफाइड जो ग्रुप्स बताए आप, इनमें कोऑर्डिनेशन अगर हो ना पाया, यस सर, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो फिर दोगुनी आय का तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। यस सर, एक्चुअली वी नीड 8% ग्रोथ बट इट इज अप टू 2022 इट इज समवॉट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल। अच्छा चलिए, एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन, यस सर, इसमें उत्तर प्रदेश पूरे पूरे देश में किस स्थान पर है? सर नंबर ऑफ इफ टॉकिंग इन टोटैलिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, नंबर ऑफ कैटल, देयर कंडीशंस इन ऑल दैट। यस सर, ओके। मिल्क प्रोडक्शन में सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, एक्चुअली आइडिया आई डोंट हैव नाउ करंट डाटा बट इट इज इन मिल्क प्रोडक्शन यूपी स्टैंड फॉर फर्स्ट and number of cattle is also first. Yes, you are correct. But they are, this is 10. लेकिन समस्या ये है कि इतने के बावजूद जो हम दूध पीते हैं वो गुजरात का पीते हैं। Yes sir. उत्तर प्रदेश प्रथम है इसमें कोई संदेह नहीं है और पिछले कई सालों से का दशक से चला रहा है। Yes. तो यहाँ पे डेयरी और इस टाइप के सिस्टम्स क्यों नहीं डेवलप हो पाए? सर एक्चुअली नाउ अमूल हैज टेकन ए वेरी बिग कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव मॉडल व्हिच इज नाउ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड गुजरात, सो इन दे पुट देयर ब्रांड एंड देयर इंडस्ट्री सेवरल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल इन यूपी इन नियर अबाउट माय डिस्ट्रिक्ट इन गोंडा आल्सो दे पुट प्लांट, सो दे आर क्रिएटिंग दिस कोऑपरेटिव मॉडल एंड दे आर परचेजिंग फ्रॉम फार्मर एंड फ्रॉम दैट अमूल वी आर गेटिंग। ऑल्दो सम लोकल हमारे यहाँ का जो मिल्क का प्रोडक्शन है जैसे काश्तकार के यहाँ मिल्क तैयार हो गया, अब उसका कलेक्शन और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके किसी खास जगह पे भेजना ये व्यवस्थित नहीं है अभी। किस किस माध्यम से अभी ये किया जाता है आपको जानकारी है? यस सर, किसान के दूध को कौन लेता है, कहाँ कलेक्ट होता है, उसके बाद ये कैसे डिस्पैच किया जाता है आगे? सर एक्चुअली व्हाट आई सीन सर अमूल इज दे आर सेंडिंग बियर टैंकर कम डाउन टू यूपी स्टेट। हमारे राज्य में कौन सी व्यवस्था है, प्रथा है, प्रणाली है जिसकी वजह से हम अमूल जैसा संयंत्र नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है इतना दूध होते हुए? सर कोल्ड वैल्यू चेन इज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश इन यूपी, लॉजिस्टिक इज नॉट दैट नंबर। इसके अलावा फार्मर्स वन इज सर लॉजिस्टिक, सेकंड इज फार्म दैट फार्म प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट इंडिविजुअल लेवल इज आल्सो दैट नॉट दैट मच सफिशिएंट सर। भाई अच्छा चलो हम इसका थोड़ा फीडबैक आपको बाद में देंगे, आप आ जाओ कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट बहराइच। यस सर, बहराइच में कौन सा प्रोडक्ट लिया गया
ओडीओपी में। अच्छा सॉरी, ओडीओपी सुना है आपने? यस सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बहराइच के किस उत्पाद को शामिल किया गया है? सर एक्चुअली सम हैंडीक्राफ्ट इज टेकन, दैट नेम आई फॉरगेट सर, सॉरी सर। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट सर। बहराइच में कहां पर ये स्थापित है हैंडीक्राफ्ट? हैंडीक्राफ्ट सेंटर। यस सर, दैट आई डोंट हैव आईडिया सर। नहीं, मुझे भी आईडिया नहीं है, लेकिन ये ऐसे बात के बारे में तो कभी सुना नहीं गया है। यहाँ पे कितने शुगर यूनिट्स कितनी है बाराई में? सर 4 यूनिट है सर, वन इज इन चिलोरिया ब्लॉक, वन इज सर रिसिया and two other places sir. 4 mills is there. इसमें चीनी मिलों में कितनी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, किस किस तरह की? एक तो प्राइवेट हो गई। यस सर। इसके अलावा सरकारी, सरकार के तरफ से कौन से मशीनरी है, सरकार के कौन से विभाग हैं, सेक्टर हैं जो चीनी मिलों का काम देखते हैं? About this, sorry, I don't have idea, sir. इसका recovery rate से क्या मतलब होता है और कैसे निर्धारित किया जाता है? Sir, recovery rate means from sugar cane, how much sugar is obtained, that is recovery rate. For this North India, it is very dismal, sir. For example, it is stand for 10%, 8-10%. However, if we are talking South India, they have 12-13% recovery rate. Uttar Pradesh mein krishi vishwavidyalay kahan kahan pe hain? Ek to aapka ho gaya jahan padhe the, iske alawa ek narendra mein ho gaya sir, ek csa kanpur hai, ek meerut hai, ek ab center ho gaya hai wahan pe sir jhansi mein, aur chautha hai sir banda mein manyavar kasiram. Which is the oldest? Oldest is sir csa chandrasekhar azad krishi mahavidyalay. That was previously known as Patthar College. वही सब्जेक्ट थी। अच्छा। अब ये अब आपको हम दूसरे मेंबर से आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। शिवशंकर, आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है और आपने अच्छा अपने विषय पर अध्ययन किया है, आपकी अच्छी और स्पष्ट समझ है अपने विषय पर। थैंक यू सर। और आपने चूंकि कृषि क्षेत्र के लिए ही सेवाओं में आवेदन किया है और उसमें डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर भी एक है, तो कृषि में हाइब्रिड सीड्स के बारे में आपने सुना है, बड़ी बहस का विषय है। यस सर। तीन मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहला ये कि बीज निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या था और भारत में बीजों को प्रयोग करने के लिए कौन सा कानून वर्तमान में चल रहा है? बीजों का प्रयोग वर्तमान में सर, दैट आई डिडंट गेट सर, कैन यू प्लीज रिपीट? भारत में बीजों का प्रयोग करने के लिए क्या कोई व्यवस्था किसी कानून के तहत बनाई गई है या कैसे ये प्रयोग होता है? सर, इन 1966 फर्स्ट नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एक्ट वाज केम व्हिच एस्टैब्लिश्ड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन मींस राष्ट्रीय बीज निगम। सो राष्ट्रीय बीज निगम का मैंडेट जो है सर, वो सीड प्रोडक्शन है, सीड का इंस्पेक्शन है, क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर एंड देयर मार्केटिंग आल्सो। सो बीज निगम इस उद्देश्यों को हेतु स्थापित किया गया था। और करेंटली सर हाइब्रिड सीड के लिए हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइब्रिड सीड का जो उपज क्षमता है वो 30% ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिजीनियस ब्रीड, एंड समटाइम इन अदर क्रॉप इट इज जस्ट 2 times or 3 times इट इज हायर देन इंडिजीनियस वैरायटी, जो हमारी देसी वैरायटी है उनसे 2-3 times ज्यादा है। तो अंडर व्हिच लॉ, ओके, डू यू रिमेंबर एनी सीड लॉ इन इंडिया? सीड लॉ सर, नेशनल सीड एक्ट 1966, नेशनल सीड एक्ट 1966, नाउ वी आर 2020. Yes, sir. Don't you think that there is a high time to change, revise, and update our seed law?
Yes, sir. Some portion of that National Seed Act should be updated because that is outdated now. So that have no relevance. But still, that act is so effective, sir. क्यों सीड लॉ पास नहीं हो पाया? गवर्नमेंट ने पेश कर दिया था. Yes, sir. ये बिल, सीड बिल भी प्रेजेंट है पार्लियामेंट में, लेकिन पिछले 10 सालों से पेंडिंग है. क्या स्टेट regarding this, sir, I don't have idea. Sorry, sir. Contractual farming के पक्ष और विपक्ष में आपका क्या मत है? सर, इन पक्ष में सर, contractual farming जो है सर, वो रिसोर्स के इफिशियंसी को बढ़ा देगा, क्योंकि जब हमारा जो होल्डिंग है वो पूल करेंगे हम, क्योंकि अभी फ्रेगमेंटेड और स्मॉल छोटी जोतें हैं हमारी, तो जब उनको एकत्रित करके हम बड़ा जोत कर लेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी के और मैकेनाइजेशन का स्कोप बढ़ जाएगा, और जब स्कोप बढ़ जाएगा तो सर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, इकोनॉमी का स्केल हो जाता है. तो सर, बट सर व्हाई वी आर नॉट अडॉप्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग सर? बिकॉज पहली बात तो ये है सर कि बिहेवियरल एस्पेक्ट वन इज देयर. Farmers don't want to cooperate. Dusra, they are little bit insecure. If they will share their land, they will not get their sufficient due. This is also a reason. Sir, most commonly is behavioral aspect. If we focus on that, we can achieve that. Sir, आपने food safety officer के लिए भी आप applicable हैं. Food safety और food security में क्या फर्क होता है? Sir, food security is concept which is focusing toward accessibility, affordability. However, security is there. Security means their quality dimension, means whatever protein, nutrient, everything what I need as an individual, that from food I am getting or not, that is food security of one concept. Food security is means to that include two different things, quantity and quality. So one aspect is that availability, second is accessibility, third is affordability. So this food security is a broad concept. Okay, thank you. Good evening, Shiv Shankar ji. Good evening, ma'am. आप उत्तर प्रदेश में आप प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, तो हम हिंदी भाषी राज्य हैं, हम थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे. ये बताएं, अभी आजकल के अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ऐसी कौन कौन से समाचार हैं जो पिछले एक हफ्ते से आप जिनसे गुजरे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू? मैम, एक तो है अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया का मैम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट न्यूज है. दूसरा न्यूज अभी कुछ दिन पहले इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ था वो था मैम. और अभी ये साइंटिस्ट लोग ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इंडिविजुअल साइंटिस्ट अपार्ट फ्रॉम WHO, दैट ये हवा में भी स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस. दीज आर द सम कॉमन न्यूज मैम. अच्छा, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसका सामाजिक और आर्थिक और उस पर पहलुओं पर क्या असर पड़ा है, कुछ प्रकाश डालेंगे आप? मैम, आर्थिक रूप से हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके आय का कोई एक निश्चित स्रोत नहीं बचा हुआ है. फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हुई है उनकी. ये है, और सोशल लेवल पे कोरोना वायरस के कंट्रोल मेजर के रूप में लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था. तो लॉकडाउन से क्या हुआ मैम, लोगों के मेंटल लेवल पे भी डिप्रेशन का इन सोसाइटी इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्टली मैम. अभी तक आपने जो कुछ बताया वो कोरोना के नेगेटिव पहलू थे, नकारात्मक पक्ष थे, कुछ आपको इसमें सकारात्मकता भी दिखाई दी? यस मैम. क्या मैम, सकारात्मक रूप से यदि हम कहें तो कोरोना वायरस बहुत सारे चेंजेस को भी लेके आया है, जैसे डिजिटलाइजेशन का स्प्रेड बहुत कम्युनिटी लेवल पे भी पहुंच चुका है, विलेज लेवल पे भी पहुंच चुका है. और मैम दूसरा ये है कि एयर पॉल्यूशन दिल्ली में
और अदर प्लेसेस पे एयर पॉल्यूशन, वाटर इंडस्ट्री क्लोज थी तो वाटर भी साफ हो चुके हैं, एयर पॉल्यूशन का लेवल भी वेरी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, पर्टिकुलेट मैटर का भी बहुत ज्यादा मतलब कमी आई है एनवायरमेंट में, और मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी अच्छी तरीके से हुआ है। बहुत अच्छा, ये बताइए इसी संबंध में हर्ड इम्यूनिटी काफी इस समय चर्चा में है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी मैम बेसिकली जब हम किसी चीज से वायरस से वायरस या बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे शरीर की जो टी सेल है वो इम्यूनिटी को फॉर्म कर लेती है, एक बार अफेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो फॉर्म हो जाती है, तो उसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं मैम। अच्छा, और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं? मैम कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये होता है कि जब पीपल टू पीपल, फैमिली टू फैमिली, जब ये स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग कहलाता है मैम। तो क्या भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर से गुजर रहा है? मैम नाउ साइंटिस्ट हैड प्रेडिक्टेड दैट नाउ इट इज स्टेज इज केम कम्युनिटी स्प्रेड इज स्टार्टेड। अच्छा अच्छा, इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी की बात आती है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? मैम प्लाज्मा थेरेपी ये है कि जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं जो पर्सन कोरोना वायरस से, तो उनका जो प्लाज्मा होता है वो मैम रेजिस्टेंसी फॉर्म हो जाती है उनमें, तो उनके प्लाज्मा को लेके हम इसको वेरी वन जो मरीज है बहुत फैटलिटी स्टेज में हो, क्रिटिकल स्टेज में हो, तो उस प्लाज्मा को यूज करके उनको ट्रीट कर सकते हैं मैम। अच्छा, इतनी थेरेपीज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुंबई में मोर्टेलिटी रेट काफी हाई रहा। यस मैम, और उसमें धारावी मॉडल भी काफी चर्चा में रहा, तो कुछ धारावी मॉडल की बात करें। यस मैम, WHO ने मैम इसकी तारीफ की है धारावी मॉडल की। धारावी मॉडल में मैम बेसिकली ये सब एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है मैम, इसमें इसमें डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत ज्यादा चांस हो सकता था, तो इसके देखते हुए वहां की लोकल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये किया कि चूंकि यहाँ पे मैम कम्युनिटी टॉयलेट है, उनके पास इंडिविजुअल टॉयलेट भी नहीं है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने होम टू होम जाके चेक किया, कोरोना वायरस का टेस्टिंग किट किया, और मैम जो टॉयलेट थे उनके हर हावर पे वो लोग सफाई करते थे, सैनिटाइज करते थे, तो मैम ये सब दो चार रीजन ऐसे थे जिसके कारण ये कंट्रोल हो चुका और कम्युनिटी स्प्रेड नहीं फैला मैम वहाँ पे। अच्छा, आप शिवशंकर जी बहराइच से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल है जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? यस मैम, एक तो सीता दोहार है मैम, एक श्रावस्ती है जो की एंशियंट पीरियड से ही फेमस है श्रावस्ती, और मैम और फार करतनिया घाट इज देयर, दैट इज टाइगर कंजर्वेशन, दैट इज आल्सो अ विजिटिंग प्लेस। बौद्ध परिपथ की बात करें तो बौद्ध परिपथ किन शहरों को जोड़ रहा है? मैम श्रावस्ती, कुशीनगर, मैम ओनली टू डिस्ट्रिक्ट आई एम नाउ आई हैव रिमेंबर मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच।